आबादी की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। 25 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश में निवास करती है। और भाइयों बहनों, आज आप देख रहे होंगे अयोध्या में काशी विश्वनाथ धाम बनकर के तैयार हो गया है। और अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण कार्य भी चल रहा है। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में भी सबसे बड़े बैरियर यही लोग थे। ये बैरियर हैं, बैरियर ये विकास नहीं होने देते, आस्था का सम्मान भी नहीं करने देते। ये लोग गुंडागर्दी को बढ़ाते हैं। कांग्रेस ने तो ये कहा, कांग्रेस और कम्युनिस्ट दोनों एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। ये लोग विकास नहीं करते। इनके द्वारा तो हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ किया जाता और कहते हैं कि राम का तो अस्तित्व ही नहीं था, कृष्ण का अस्तित्व ही नहीं था। जैसे कि अस्तित्व केवल इन्हीं का है, इसीलिए देश की जनता ने सबक सिखाया। आज कांग्रेस को अस्तित्व समाप्त करने के लिए अग्रसर कर दिया, कम्युनिस्टों का नामो निशान मिटाने की ओर लेकर के चले गए। और आज इसीलिए फिर हम लोग आए हैं भाइयों बहनों, पूरे देश के अंदर विकास जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, द्वारिका से लेकर के और अरुणाचल प्रदेश तक आप चले जाइए, किसी भी राज्य में, पूर्वोत्तर के राज्यों को पहले कांग्रेस ने अपेक्षित छोड़ा हुआ था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी की लुक ईस्ट पॉलिसी, हर सप्ताह एक मंत्री पूर्वोत्तर के एक राज्य में कैंप करता है, विकास की योजनाओं की मॉनिटरिंग करता है, यहाँ की माताओं को, यहाँ की बहनों को, यहाँ की बेटियों को, यहाँ के युवाओं को, यहाँ के किसानों को, यहाँ के श्रमिकों को, यहाँ के व्यापारियों को योजनाओं का लाभ मिला है कि नहीं मिला है यह सुनिश्चित करता है, फिर उसकी रिपोर्टिंग प्रधानमंत्री मोदी जी को देता है।